नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के बिहार टीचर के क्लास 9 और 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस वर्कबुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे और ये जो प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पे आधारित है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थव्यवस्था कि इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लास 9 और 10 के, और क्लास 9 और 10 के टीचर के लिए ये दोस्तों बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बुक में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप गाइड चाहते हैं, मतलब स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो सामाजिक विज्ञान का ये किरण पब्लिकेशन का गाइड है। ठीक है, इसमें आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। इस बुक का दोस्तों मैंने रिव्यू कर दिया है, ठीक है, क्लास वाइज है। ठीक है, ये उसी का प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों। इससे आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें दो भाग में डिवाइड किया गया है। आप लोगों को पता होगा एक विषय होता है जो सामाजिक विज्ञान का ये सब्जेक्ट मतलब बुक है, और एक सामान्य अध्ययन का पेपर आता है। तो सामान्य इनका भी बुक आ चुका है दोस्तों, 120 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस वर्कबुक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लास 9 और 10 के लिए बिहार टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया दोस्तों, आपके एग्जाम के हिसाब से इस बुक को बनाया गया है। इस बुक का दोस्तों MRP दोस्तों आपको 275 देखने को मिलेगा, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। बुक खरीदते समय इस कोड को ध्यान में रखिएगा, KP4290 इस बुक का कोड है। ठीक है, तो 275 रुपये है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इस बुक में नंबर ऑफ पेज आपको 288 पेज देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिए इस बुक के कंटेंट को हम देखते हैं कि इस बुक का कंटेंट कैसा है। तो सबसे पहले ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, बिहार टीचर के लिए माध्यमिक विद्यालय 9 और 10 सामाजिक विज्ञान NCERT SCERT प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र एवं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को कवर किया गया है। सामाजिक विज्ञान से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 अंक के, और सामान्य अध्ययन से 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं MRP फिर से 275 रुपये MRP है। इनका कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बताया क्लास 9 और 10 के टीचर के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारा कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद NCERT SCERT के क्लास 9 और 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित MCQ देखने को मिलेगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, हमारी अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक, राजनीति के MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन को कवर किया गया है, मतलब टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन को कवर किया गया है इस बुक के अंदर। तो इस तरह से आपको कुल मिलाकर कितने सेट देखने को मिल जाएंगे, कुल मिलाकर 15 सेट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं सफलता के सूत्र, कैसे बने 9 और 10 क्लास के सामाजिक विज्ञान के अस्थाई शिक्षक, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों इस बार परमानेंट टीचर का ये वैकेंसी है, जिसमें 1,71,000 से ज़्यादा पोस्ट है, और आपके लिए ये सुनहरा मौका है, इससे बेहतर मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप आराम से टीचर बन सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे बिहार राज्य विद्यालय नियमावली 29 मई 2023 के हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ बताया गया, कंप्लीट आपको एग्जाम के बारे में टोटल जानकारी यहाँ देखने को मिल जाएगा शुरुआत में। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे आगे जाके, तो आगे यहाँ पे देखेंगे तो क्लास 9 NCERT और SCERT पर आधारित है। क्लास 9 इतिहास की दुनिया, और यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे MCQ के फॉर्म में। सबसे पहले भौगोलिक खोज, उसके क्वेश्चन, उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसके क्वेश्चन, सारे कुछ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे। क्लास 9 के सभी अध्याय को कवर किया गया है चैप्टर वाइज, उसके बाद क्लास 10 को कवर किया गया है MCQ क्वेश्चन जो आपके बुक में है, और उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। फिर क्लास 9 भारत और भूमि के लोग, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वाइज भी है, ठीक है ना, भारत और भूमि के लोग। उसके बाद इसी तरह क्लास 10, तो सारे सब्जेक्ट को भी इसमें कवर किया गया है। पहले इतिहास होगा, फिर ज्योग्राफी होगा, उसके बाद पॉलिटी होगा, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया बहुत ही शानदार तरीके से। अंतिम में आपको अर्थव्यवस्था देखने को मिलने वाला है, मतलब कंप्लीट है दोस्तों। यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है, तो इस तरह से कवर किया गया है। और यहाँ पे आगे दोस्तों देखेंगे तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा MCQ क्वेश्चन के बाद। ये देखिए दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान का बुक है, किरण पब्लिकेशन का बहुत फेमस बुक है, इसे आप ले सकते हैं कंप्लीट स्टडी करने के लिए, क्योंकि NCERT पे आधारित है। और ये खान सर के कुछ NCERT के क्लास 6 से लेकर 12 के बेस्ट बुक है, इन्हें भी आप ले सकते हैं। टोटल 5 बुक आते हैं,
अगर बोलेंगे तो इन सभी बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा जिसमें सामाजिक विज्ञान के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे गदर पार्टी के संस्थापक क्या है, अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जाँच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अर्थव्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, उसके बाद राजनीति शास्त्र हो गया, उसके बाद सामान्य अध्ययन हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे संक्षिप्त आंसर की आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद उत्तर व्याख्या देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को यहाँ एक्सप्लेन किया गया। और एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 पॉइंट दिया गया ताकि आप आसानी से एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन तैयार कर पाएँ। आंसर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है दोस्तों इस बुक का, ठीक है। और किरण पब्लिकेशन जो होते हैं वो टॉपर से इस बुक को प्रेफर करते हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन के बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार होते हैं, ठीक है। यहाँ मैथ्स वाले भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 40 नंबर में मैथ्स भी यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, एक और सेट को मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं तो मैथ्स वाले सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है जिसमें सामाजिक विज्ञान सबसे पहले 80 नंबर का, जिसमें सबसे पहले इतिहास देखने को मिलने वाला है। इतिहास के लगभग 25 क्वेश्चन है, भूगोल के लगभग यहाँ पे भूगोल देखने को मिलेंगे, तो भूगोल के यहाँ पे लगभग 25 क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था के कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं भूगोल 50 क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था, उसके बाद राजनीति शास्त्र है यहाँ पे। अर्थव्यवस्था से यहाँ दोस्तों देखेंगे तो 10 क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र से बाकी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, पेपर 1 में। अब पेपर 2 में सामान्य अध्ययन 40 अंक का पूछा जाएगा, ये सभी जगह कॉमन होगा, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन है वो सब मिला जुला के होगा, जीके का होगा, जीएस का होगा, मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, सारे क्वेश्चन को मिला जुला के यहाँ पूछा जाता है 40 क्वेश्चन। टोटल आपको 120 नंबर का एग्जाम देना है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। यहाँ पे आंसर की आपको देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही लंबे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया गया है। और बुक का जो आंसर है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके बुक पर आधारित है, एनसीईआरटी पर आधारित है और एससीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। सॉल्यूशन दोस्तों काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर किया गया है इस बुक के अंदर। बुक में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बुक में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। बुक आप ले सकते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। इसी तरह से आपको सारे प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर 15 प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा, और बुक आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है दोस्तों, बुक में कोई कमी नहीं है, ठीक है। खान सर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, इन्हें भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। सारे बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। और अगर इस बुक के बारे में कोई भी डाउट आपके मन में रह गया तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिहार टीचर के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे ये दोस्तों देख सकते हैं, बिहार टीचर का प्राइमरी टीचर के लिए क्लास 1-5 के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक है। और उसके बाद भाषा, ये सभी के लिए कॉमन है, क्लास प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया, उच्च माध्यमिक शिक्षक सभी के लिए भाषा टेस्ट देना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें दोस्तों आपको 9 और 10 के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पता होगा कि 40 क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इस बुक का भी मैं रिव्यू करूंगा, ठीक है ना। ये दोस्तों देखिएगा सामान्य अध्ययन का वो बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस बुक का भी रिव्यू करूंगा। ये सारे सब्जेक्ट, मतलब सारे लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों लेवल के लिए, ठीक है ना। तो इनके बुक को ले सकते हैं, साथ में ये सामान्य ज्ञान का बुक है दोस्तों, एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, इसे भी ले सकते हैं, बहुत पॉपुलर बुक है ये। तो अगर कोई भी डाउट होता आपके मन में तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।